हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस वाले स्मार्ट वॉच पर वॉलपेपर लगा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, इस वाले स्मार्ट वॉच पर कैसे वॉलपेपर लगाते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है, आप जब भी इस वाले स्मार्ट वॉच न्यू लेते हो तो आपको पता नहीं होता है इस वाले स्मार्ट वॉच पर वॉलपेपर लगाए कैसे। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे आप इस वाले स्मार्ट वॉच पर वॉलपेपर लगा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा यूट्यूब पर इस वाले स्मार्ट वॉच पर वॉलपेपर लगाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले स्मार्ट वॉच के रिलेटेड एक प्रॉब्लम मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट पर दे दूंगा, क्योंकि आप दूंगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट पर आपको दे दूंगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज इस वाले स्मार्ट वॉच पर वॉलपेपर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या कर लेना है, फिट प्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फिट प्रो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर लेना है, वॉच को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑप्शन को कंप्लीटेड होने देना है। देख सकते हो कंप्लीटेड हो रहे हैं, कंप्लीटेड हो चुके हैं और वॉच मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, देख सकते हो वॉच मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको तो वॉलपेपर लगाना है। वॉलपेपर लगाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं डायल सेटिंग, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप डायल सेटिंग देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद किसी भी एक फ़ोटो को यहाँ से आपको चॉइस कर लेना है, किसी भी एक वॉलपेपर को मैं एक को चॉइस कर लेता हूँ। चॉइस करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपनी फ़ोटो तो लगाना है। फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज द डायल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना गैलरी से किसी भी एक फ़ोटो को चॉइस कर लेना है। ठीक है, मैं ये वाला चॉइस कर लेता हूँ, ये वाला आपको दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, अच्छा जस्ट मैंने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच पर वॉलपेपर ट्रांसफ़र हो रहा है मोबाइल से। ठीक है, आप देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। आप मोबाइल में साइड पर ला कर देखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हो कंप्लीटेड हो चुका है और यहाँ पे ये ऑन हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं वॉलपेपर लग चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो। ठीक है, ये वाला फ़ोटो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आता है सबको, वॉलपेपर लगाने के बाद टाइम नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो टाइम दिखाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन, ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरा पर। ठीक है, आपके वॉच पर यहाँ पे एक बटन होगा, इस बटन पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद आप यहाँ पे टाइम डेट सब कुछ देख सकते हैं और फिर से यहाँ पे प्रेस करिए, आपके वॉलपेपर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, मैंने सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो देखा मैंने कितना अच्छी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के बताया कैसे वॉलपेपर लगाना है आपको, और लास्ट में वो प्रॉब्लम भी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो क्या करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।